नमस्ते, मेरा नाम पार्थ है। और मेरा नाम प्रथम है। और मेरे मित्रों का नाम शिवा, रीवा, निश्क और विश्वा है। आज हम हर डिश की एक कहानी में फ्रेंच फ्राइज बनाने जा रहे हैं। हमें फ्रेंच फ्राइज में सामग्री में चाहिए 2 बड़े आलू और 1 चमची नींबू का रस, स्वाद अनुसार नमक और 200 ग्राम तेल। हम 2 बड़े पोटैटो को छीलकर उसे लंबी छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे और अच्छे से धो लेंगे। अब हम 10-15 मिनट तक उसे सुखा लेंगे। अब मम्मी की सहायता से हम इसे डीप फ्राई करेंगे, यानी तलेंगे। तुम्हें पता है फ्रेंच फ्राइज कहाँ से आया? हाँ, फ्रेंच फ्राइज सबसे पहली बार बेल्जियम से आया था। तुम्हें पता है फ्रेंच फ्राइज को फास्ट फूड क्या कहते हैं? हाँ, झटपट बनाओ और खाओ। देखिए, हमारा फ्रेंच फ्राइज तैयार हो चुका है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और नींबू का रस डालेंगे। आप चाहे तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए, हमारा फ्रेंच फ्राइज अभी खाने के लिए तैयार हो चुका है। इसे हम टमेटो केचप के साथ भी परोस सकते हैं। धन्यवाद। चलिए जानते हैं 12 साल के बच्चों को कितनी कैलोरीज चाहिए होती है। यहाँ हम कैलोरीज चार्ट के द्वारा जानेंगे कैलोरीज 106 में लगभग 6 सेंटर के बराबर है। 13% लगभग 2 ग्लास दूध के बराबर। विटामिन सी 12%। आयरन 13%, 6.5 mg। विटामिन डी 2%, लगभग 1 कार्ड के बराबर। कार्बोहाइड्रेट 26%, 10.8 mg। फ्रेंच फ्राइज में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, मगर फैट की मात्रा अधिक होती है, जिससे हृदय रोग हो सकता है। कम खाइए और स्वस्थ रहिए। फ्रेंच फ्राइज बनाने में ली गई सामग्री, कैसी मिट्टी, कैसे वातावरण में उगाई जाती है, वह अब हम जानेंगे। आलू 10,000 साल पहले साउथ अमेरिका में यह पहली बार उगाया गया था। यह एक घरेलू सब्जी है। 25 से 30 डिग्री तापमान और चिकनी मिट्टी में उगाया जाता है। ज्यादातर यह ठंडी के मौसम में उगाया जाता है। समुद्री नमक, जिसे हम सी सॉल्ट भी कहते हैं, यह समुद्र के पानी में से बाष्पीभवन प्रक्रिया यानी इवोपरेशन से मिलता है। इस 5 ग्राम समुद्री नमक में से हमें कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन जैसे अनेक तत्व मिलते हैं। आयोडीन की कमी से हमें गोइटर नामक रोग भी होता है। समुद्री नमक को सबसे पहले चीन में बनाया गया था। माना जाता है कि प्राचीन समय में भारत और इजिप्ट में यही पद्धति से समुद्री नमक बनाया जाता था। नींबू को सबसे पहले भारत में उगाया गया था। यह समुद्री मार्ग द्वारा पूरी दुनिया में उगाया गया था। नींबू को उगने के लिए 20 से 80 डिग्री सेल्सियस का तापमान और यह फल कम रेतीली मिट्टी में उगाया जाता है। केचप एक प्रकार का गाढ़ा सॉस है। इसे टमाटर से बनाया जा सकता है। कभी कभी इसका उपयोग भोजन में स्वाद जोड़ने के लिए किया जाता है। आशा करती हूँ आपको हमारा प्रोजेक्ट पसंद आया होगा।